इसके अलावा हमारे स्क्रिप्चर्स में पुराण मिलते हैं, आपने सुना होगा वेद पुराण, बट पुराण आर बेसिकली जैसे कि आप अपनी थ्योरीज पढ़ते हैं साइंस की, उसी के साथ आप प्रैक्टिकल्स भी करते हैं ना, क्योंकि कई बार बिना प्रैक्टिकल के वो थ्योरी डाइजेस्ट नहीं होती, समझ में नहीं आती कि क्या है क्या है। पुराण आर बेसिकली दोज फिक्शन ओरिएंटेड स्टोरीज टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट थ्योरीज ऑफ वेद। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, वेद का एक श्लोक है, सुशारथिश्वान इव यन मनुष्य नीयते भीषु इर्वाजिन इव हत प्रतिष्ठम यज्जिरम चविष्ठम तन्वई मनः शिव संकल्प मस्तु। ये एक वैदिक श्लोक है, एज इट इज ये श्लोक शायद आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर इस श्लोक को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं कि सुशारथिश्वान एव यन मनुष्य नीयते, मतलब जैसे इस मन रूपी घोड़े को, मन को घोड़ा मान लिया, अगर कंट्रोल में रखना है तो जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है, वैसे ही एक कुशल सारथी, सारथी मतलब द वन हु ड्राइव्स द चैरियट, रथ को चलाने वाला सारथी होता है, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, प्लेन को चलाने वाला पायलट, रथ को चलाने वाला सारथी। तो जैसे एक कुशल सारथी घोड़े की उश्रृंखलता को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाता है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने मन को भटकने से बचाने के लिए कुशल सारथी मतलब बुद्धि, सारथी कौन है, बुद्धि, बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, और उस कंट्रोल करने में एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं मन को भटकने नहीं दूंगा। तो जब जैसे कोई कुशल सारथी घोड़े पर लगाम लगाकर घोड़े को और रथ को प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में सफल होता है, वैसे ही वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से अपने मन की लगाम को कस लेता है अपने गोल को अचीव करने में सफल होता है। वरना जिसने ये किया नहीं उसका मन भटकता रहेगा, और मन भटकता रहेगा, एकाग्रता नहीं रहेगी तो गोल अचीव नहीं होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, अवेक अराइज स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वो एकाग्रता करने के लिए, अब ये श्लोक मैंने एग्जाम्पल देके समझाया तो समझ में आया ना, तो वही एग्जाम्पल्स हमें पुराण में मिलते हैं। उन वैदिक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए फिक्शनल स्टोरीज बनाई गई। अब जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि मन रूपी घोड़े को लगाम लगाओ, अब अगर आप घर जाके सोच रहे हैं मन घोड़ा लगाम कैसे लगाऊं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम हो रही है वर्तमान समय के पंडितों के बीच में जो पुराण को प्रिंसिपल समझ रहे हैं। कई लोग मॉक करते हुए मिलते हैं, अरे भाई कमाल है आपके उसमें स्क्रिप्चर्स में तो लिखा है पहाड़ चल पड़ा, नदी बोल रही है, पेड़ बात कर रहा है, पत्थर ऐसे कर रहा है, ये कहीं होता है क्या? और आप भी सोचते हैं हाँ यार ये सब पता नहीं क्या ऊटपटांग है, पर बेसिकली वो समझ की कमी है कि वो तो फिक्शन है। जैसे मैंने कह दिया मन रूपी घोड़े को लगाम लगाओ, तो अगर आप मन को घोड़े ढूंढने पहुंचेंगे कि मन का घोड़ा है कहां ढूंढो, तो नहीं मिलेगा। ये तो प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करने के लिए फिक्शन है। तो ये जो पौराणिक स्टोरीज हैं
दे आर बेसिकली फिक्शनल स्टोरीज. उसका एविडेंस ढूंढने मत जाइए, उसके प्रिंसिपल को समझिए. वरना पौराणिक स्टोरीज में तो यह भी मिलता है कि सूर्य ने फला से विवाह कर लिया. आप सोचेंगे सूर्य ने विवाह कर लिया, जल नहीं गया सामने वाला, क्या बात कर रहे हो यार. तो ये आप एविडेंस ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा. ये तो पॉइंट को समझाने का तरीका है. तो आज की तारीख में 18 पुराण हमको मिलते हैं. उन पुराणों की लिस्ट आप चाहें तो नोट करें. पहला पुराण है अग्नि पुराण, दूसरा पुराण है भागवत पुराण. भागवत पुराण आपने कई दफे सुना होगा, ऑर्गेनाइज होता है जगह जगह. तीसरा है भविष्य पुराण, चौथा है ब्रह्म पुराण, पांचवा है ब्रह्मांड पुराण, छठवां है गरुड़ पुराण. गरुड़ पुराण नॉर्मली फैमिली में डेथ के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, जस्ट टू गिव अ प्रॉपर इंसाइट टू ह्यूमन बीइंग. और मानसी ने जो इतनी सॉफ्टली ये बात बता दी, सिंपली ये पूरा गरुड़ पुराण में यही बताया गया कि जिसको आना है उसको जाना है, जो आया है वो जाएगा. यही मैसेज मानसी गरुड़ पुराण में दिया है. नेक्स्ट कुर्म पुराण, उसके बाद है लिंग पुराण, फिर है पद्म पुराण, मत्स्य पुराण. मत्स्य पुराण के बाद मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण. स्कंद पुराण, शिव पुराण, फिर आता है वामन पुराण, वाराह पुराण, नेक्स्ट इज वाराह पुराण, नेक्स्ट इज वैवत्स्य पुराण, एंड द लास्ट इज विष्णु पुराण. ये 18 पुराण हमको आज स्क्रिप्चर्स में मिलते हैं. ये सारे क्लासिफिकेशन के अलावा हमारे स्क्रिप्चर्स में और जो नया क्लासिफिकेशन मिलता है उसे हम कहते हैं इतिहास. ये वेद के क्लासिफिकेशंस, पुराण के क्लासिफिकेशंस, उपनिषद के क्लासिफिकेशंस के बाद है इतिहास. इतिहास के दो प्रमाण हैं रामायण और महाभारत. रामायण और महाभारत इतिहास के क्लासिफिकेशन हैं, ये वेद और पुराण के क्लासिफिकेशंस नहीं हैं. जबकि महाभारत के अंदर शांति पर्व का एक छोटा सा जो हिस्सा है जिसमें लगभग 700 श्लोक हैं, उस 700 श्लोक के उस एपिसोड को भगवद गीता कहा जाता है. और भगवद गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, ए वेरी मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ महाभारत, क्योंकि भगवद गीता में 700 श्लोक हैं जबकि महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं. तो आप सोच सकते हैं भगवद गीता कितना मिनिस्क्यूल पार्ट है महाभारत का. लेकिन भगवद गीता में जो नॉलेज दी गई है वो भी कंसिडर की जाती है कि वो अल्टीमेट है, सनातन है, चेंज नहीं होने वाली. इसलिए भगवद गीता को 12th उपनिषद भी माना गया है. इसके अलावा क्लासिफिकेशंस जो स्क्रिप्चर्स का है उसमें बहुत सारी कमेंट्रीज, ट्रीटीज, अलग अलग ऑथर्स ने जो लिखी हैं प्राचीन काल से लेके अब तक, उनको भी क्लासिफाई किया गया है, जो कि आपको उन कमेंट्रीज में मिलेंगे. भाष्य, दूसरा क्लासिफिकेशन है टीका. जब आप किसी चीज पर कोई कमेंट्री कर रहे हैं उसे टीका कहते हैं.
तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है आरण्यक। आरण्यक मतलब जब जंगल में जाकर कोई तप करके किसी नॉलेज को गेन करके उसे क्लासिफाई करता था उसे आरण्यक कहते थे। आरण्यक वर्ड इमर्जेस आउट ऑफ अरण्य, अरण्य मीन्स जंगल। तो ये कमेंट्रीज के क्लासिफिकेशंस हैं और इस तरह से हमारे ये स्क्रिप्चर्स थरोली क्लासिफाइड हैं। आप अगर इनकी नॉलेज को गेन करना चाहें तो ये सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप जब मन चाहे खरीदिए, पढ़िए, समझिए, एनालाइज कीजिए। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि जब मैंने ये कमेंट्रीज पढ़नी शुरू की, ये वेद पढ़ने शुरू किए, उपनिषद पढ़ने शुरू किए, तो कुछ भी समझ में नहीं आया शुरू में। पढ़ते गए तब ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि ओह माय गॉड, दिस इज ट्रेजर ऑफ विजडम। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज प्योरली ट्रेजर ऑफ विजडम, दिस इज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन, इट्स प्योर एंड प्योर नॉलेज। और कमाल की बात यह है कि जब आप इनकी कमेंट्रीज पढ़ेंगे, भाष्य टीका, ब्राह्मण, आरण्यक वगैरह, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत अच्छे भाष्य तो हिंदुस्तान के बाहर के ऑथर्स ने लिखे हैं। वेदों पर एक बहुत खूबसूरत कमेंट्री ट्रीटी आपको मिलेगी शोपेनहावर की, हु इज अ जर्मन। आपको वेदों पर रिसर्च मिलेगी मैक्स मिलर की। एंड यू बी सरप्राइज्ड, इवन नासा इज रिसर्चिंग ऑन स्पेस साइंस, क्योंकि हमारे वेद ग्रह उपग्रह ये सब उस पर ही चर्चा करते हैं। हम बच्चे का बर्थ होते तो कुंडली बनाते हैं और कुंडली की पूरी बेस ये है कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी। तो ये सब बड़ी कमाल की चीजें हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वी आर लूजिंग साइट ऑफ दीज वंडरफुल ट्रीटीज, वंडरफुल बुक्स, वंडरफुल स्क्रिप्चर्स। मे गॉड ब्लेस यू ऑल टू डू सम इनोवेटिव रिसर्च ऑन दीज wonderful books and you will be having a unique knowledge. Thank you so much.